अब इटिनाव स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ गए हैं उनसे, समझते हैं क्योंकि अक्रॉस दी ग्लोब भी निकुंज गुड मॉर्निंग, हम देख रहे हैं एक्शन है और भारतीय बाजार के भी तेजी के ट्रिगर्स, लेकिन डेट सीलिंग का संकट जो है छटता हुआ नजर आ रहा है, कैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स अब यहाँ से पैन आउट होंगे? देखिए, हिंदुस्तान में डेट सीलिंग का ना प्रभाव था ना प्रभाव आएगा. आई एम सरप्राइज दैट व्हाई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. दिस इज समथिंग व्हिच इज प्योरली ए लोकल पॉलिटिकल मैटर फॉर द यूएस. उसका हिंदुस्तान में क्यों असर आएगा, आई एम सरप्राइज्ड. ठीक है, वी कैन डिस्कस इट, बट इन टर्म्स ऑफ एन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नहीं है, ना था ना है ना आएगा. सो डेट सीलिंग वॉज नेवर अ ट्रेंड फॉर इंडिया एंड विल नेवर बी अ ट्रेंड फॉर ग्लोबल कंसर्न. ग्लोबल कंसर्न भी नहीं थी, वो एक प्रकार का पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा था. देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जब कोई बिल होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों को पास करना पड़ता है. कई बार राज्यसभा में बिल जाके अटक जाता है पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से. इसका मतलब नहीं है कि उसकी वजह से वो बिल यू नो क्लियर नहीं होता है. तो आई थिंक एवरीबडी न्यू दैट इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम, इट वॉज अ मैटर ऑफ डीपर नेगोशिएशन. किसके हाथ क्या लगे, किसके हाथ कम लगे, इट ऑल अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन. यूएस डिफॉल्ट नहीं करने वाला था और आई एम सरप्राइज दैट markets were talking about it. मैं शायद अंग्रेजी में बोल भी रहा था काफी दिनों से, that markets are making a mountain out of a mole. मेरा भी ओके, माने राई का पहाड़ जिसे हम बोलते हैं, राई का पहाड़ बना दिया गया था. आज 150 पॉइंट ऊपर खुलेगा बाजार, निकुंज कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे सेटअप को देखते हैं आप? अच्छा, काफी समय से हम बोल रहे हैं कि मार्केट नया हाई बनाएगा और मार्केट आज नया बैंक निफ्टी पे नया हाई बना देगा. बैंक निफ्टी में अगर नया हाई बनता है तो मार्केट में हो जाएगा. अभी लीडरशिप सेक्टर इंटैक्ट है, लीडरशिप मार्केट में वापस आ चुकी है. जब मार्केट में टिपिकल लीडरशिप आती है तो फिर आप बोलेंगे भाई बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई बना चुका है, निफ्टी ऑल टाइम हाई कब बनाएगा? निफ्टी 400 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से और 400 पॉइंट इस मार्केट के अंदर कोई बहुत लंबी छलांग नहीं है. तो ऑल टाइम हाई मुझे लगता है निफ्टी में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टाइम हाई आई थिंक इज वेरी वेरी हाई. आप आज इस हफ्ते करें अगले हफ्ते करें ये बोलना बहुत मुश्किल है, मगर प्रोबेबिलिटी देखें तो मुझे लगता है काफी ज्यादा है. ओके, ऑलराइट. मैं कुछ आपने खास इंटरेक्शन भी की, हालांकि वो पूरी इंटरेक्शन हम क्रिस वुड के साथ लेकर आएंगे, बट उन्होंने क्लियरली 1 लाख तक के टारगेट के सेंसेक्स पर बात की है और इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, क्योंकि अभी वी आर येट टू शो इट टू व्यूअर्स, बट आपसे एटलीस्ट उस इंटरव्यू के बारे में, उस इंटरेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना चाहेंगे. जी, क्रिस वुड को मैं 20-22 साल से जानता हूँ और एक चीज काबिले तारीफ है कि क्रिस वुड हमेशा इंडिया के बड़े बुलिश स्ट्रेटजिस्ट रहे. कुछ भी हो जाए, 2003, 2008, 2012, 2018, क्रिस वुड का जो व्यू हिंदुस्तान में रहता था हमेशा बुलिश था. शायद यही एक स्ट्रेटजिक है, एक स्ट्रेटजिस्ट हैं जो हमेशा इंडिया में ओवरवेट और किसी जमाने में डबल ओवरवेट थे. इन्होंने रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करी थी 2004, 2005, 2006 के अंदर, या बैंक्स में काफ़ी समय से बुलिश रहे हैं. तो एक ओल्ड इंडिया बुल है, एक वेरी वेल रिस्पेक्टेड वॉइस हैं और जो शातिरता से ये ट्रेंड्स पकड़ते हैं एक प्रकार की काबिले तारीफ है. तो क्रिस वुड का मानना है कि इस समय, और एक साल पहले जब हमारे स्टूडियो में आए थे तो मैंने पूछा भाई आप एक साल पहले इंडिया को लेकर के बुलिश थे मगर इस समय आप एक्साइटेड हैं, तो कह रहे थे भाई इंडिया के अंदर जो ब्याज दर का जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, जो मॉनिटरी टाइटनिंग थी वो मॉनिटरी टाइटनिंग क्योंकि खत्म हो चुकी है और ग्रोथ वापस आ चुकी है तो इस समय बेरिश नहीं हो सकते. उनका ये भी मानना है कि जो चाइना में पैसा गया इंडिया में वापस आएगा. उनका ये भी मानना है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान से निकल के गए थे वापस जाएंगे. तो अगर मैंने उनसे स्पष्ट पूछा कि मैंने कि हिंदुस्तान में लोगों को क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला जिनके पास शेयर है मत बेचिए, अगर आपके पास शेयर अगर नहीं है तो आपको इस लेवल पर भी खरीदने चाहिए. हो सकता है डाउनसाइड 10% हो मगर 3 साल के अंदर डाउनसाइड 30% है. तो जो हम कहते हैं ना ऑड्स आपके फेवर के में इस मेरे हिसाब से वो टेक अवे. निकुंज, खास स्टॉक्स के बारे में बात करें तो किसी स्टॉक्स पे आपकी नजर ओवर द वीकेंड, बहुत सारे रिजल्ट्स आए थे उसके रिलेटेड? देखिए, महिंद्रा के नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि महिंद्रा एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, उसके बावजूद भी महिंद्रा के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि महिंद्रा के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस रहेगा वो इस समय बरकरार रहेगा. फिर क्रिस वुड साहब ने अपने पोर्टफोलियो में जोमैटो को ऐड कर दिया है, तो मैंने जोमैटो पर भी स्पेसिफिकली पूछा उनसे, उन्होंने बोला कि भाई ONDC जो है वह इस पूरे मार्केट को बड़ा कर देगा. और तीसरा उनका यह मानना था कि जोमैटो की जो मार्केट कैप है सिर्फ $5 बिलियन है, जो कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस करंट मार्केट कैप को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं है. हमने लास्ट वीक देखा मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छा एक्शन था, मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगाया और वॉल्यूम बाइंग आई है. हालांकि बालकृष्णा के नंबर्स बहुत ग्रेट नहीं आए, लेकिन बालकृष्णा हो, दीपक नाइट्रेट हो, इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव थी. मिड कैप स्पेस पर आपकी कहीं स्पेसिफिकली नजर या आपने कहीं एनालाइज किया? नहीं, इस वीकेंड पे शायद मैं ट्रैवल कर रहा था तो इतनी अच्छी से एनालाइज तो नहीं कर रहा, मगर इस हफ्ते 2-3 दिन अभी जो माहौल रहेगा वह निफ्टी में तेजी का माहौल रहेगा.
उसके बाद मिड कैप के अंदर मुझे लगता है कि वापस एक बार निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर मिड कैप के अंदर दोबारा फोकस आएगा। मगर मिड कैप स्टॉक्स में आईटी को छोड़ करके और कुछ महंगी कंज्यूमर कंपनीज को अगर आप हटा दें, तो इन जनरल मुझे लगता है कि इस समय कोई बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल निकुंज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ऑफकोर्स ग्रीड एंड फियर विद क्रिस वुड, निकुंज ट्रैवल जरूर कर रहे थे लेकिन ओवर द वीकेंड क्रिस वुड के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, आप सभी व्यूअर्स को दिखाएंगे। और मार्केट्स की अगर बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स हैं, मार्केट्स का एक्शन है और मिड कैप ब्लेजर जिसमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा।